नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनुज पाल सिंह। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कैबिनेट के गद्दावर मंत्री पार्थ चटर्जी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। करीब 24 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने ये कार्रवाई की है। पार्थ के अलावा उनकी करीबी अर्पिता को भी हिरासत में ले लिया गया है। पार्थ के घर के बाहर सीआरपीएफ को तैनात किया गया है। ईडी चटर्जी को कोलकाता ऑफिस ले गई है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में 2014 और 2016 में शिक्षकों की भर्ती हुई थी। नियुक्ति में धांधली का आरोप लगाते हुए दो कैंडिडेट्स ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। कोर्ट ने इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका जताते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। सीबीआई ने चटर्जी से 25 अप्रैल और 18 मई को पूछताछ की थी, क्योंकि वे 2014 से लेकर 2021 तक राज्य के शिक्षा मंत्री थे। पूछताछ के बाद सीबीआई ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत दर्ज कराई। जांच एजेंसी की शिकायत के बाद मामला ईडी के हाथ में चला गया। शुक्रवार को ईडी की कई टीमों ने एक साथ पार्थ समेत उनके करीबियों के यहां छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक छापेमारी के दौरान ईडी की टीम को अर्पिता मुखर्जी के बारे में जानकारी मिली थी। रेड के दौरान अर्पिता मुखर्जी के घर से ईडी को 20 करोड़ कैश मिले थे। अर्पिता के घर से कैश बरामद होने के बाद शुक्रवार रात 11 बजे ईडी की एक टीम पार्थ के घर पहुंची। रात भर पूछताछ के बाद शनिवार सुबह उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कोलकाता की बहला पश्चिम सीट से 5 बार के विधायक पार्थ चटर्जी ममता बनर्जी की सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं। उनके पास वाणिज्य, उद्योग, संसदीय कार्य समेत कई मंत्रालयों के कार्य हैं। चटर्जी 2011 से कैबिनेट मंत्री हैं। वे 2006 से 2011 तक बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें।